सुमन सुथर लिखती हैं कि उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, तो क्या करें? किसी भी भाषा को सीखने के 3 स्टेप्स हैं, लिखना, सुनना और बोलना। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन लोगों ने कभी स्कूल के दरवाजे पर दस्तक तक नहीं दी, वे भी अच्छी खासी हिंदी बोल लेते हैं? क्यों? क्योंकि हम हर रोज़ हिंदी में आपस में बातचीत करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? बोलना और सुनना। अगर आप हर रोज़ बिना ग्रामर के डर के, बिना शर्म किए अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें, तो आप बहुत जल्द इंग्लिश में बिल्कुल फ्लुएंट हो जाएंगे। कोई भी काम करने से ही होता है, तो आप इंग्लिश फिल्में देखना शुरू कर दीजिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए और जब भी समय मिले इंग्लिश में कम्युनिकेशन कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, इंग्लिश फिल्में देखना या न्यूज़ पढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको वोकैबुलरी बिल्डिंग में हेल्प करेंगी। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी स्पीकिंग पावर भी इम्प्रूव होती रहेगी। एक दिन में कुछ नहीं होगा, कुछ महीने लगेंगे, हो सकता है 1-2 साल लग जाएं, लेकिन आप इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। शुरुआत में आपसे बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, बहुत सारे वर्ड्स के प्रोनंसिएशन आप सही से नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या आपने पहले ही दिन चलना सीख लिया था? क्या आपने पहले ही दिन साइकिल चलाना सीख लिया था? नहीं ना, वही प्रोसेस है। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, सो डू प्रैक्टिस एंड कीप गोइंग। आपकी सहूलियत के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ग्रामर के बुक्स के लिंक दिए हैं, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको भी कोई डाउट है और कोई सवाल पूछना है तो कमेंट में लिखें या फिर इस मेल आईडी पर मेल करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। धन्यवाद।